करवाना और आज मैं आपको घर में वेज कटलेट बनाना सिखाऊंगी। वेज कटलेट बनाने के लिए आपको जिस सामग्री की जरूरत पड़ेगी वो है पनीर, सूजी, नींबू, गरम मसाला, नमक, मटर, चाट मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च और जीरा, चार उबले हुए आलू, थोड़ा सा हरा धनिया, दो मिर्ची और यहाँ मैंने आलू ऐड कर दिए। अब मैं इसमें सारी सामग्री मिलाऊंगी। आलू में मैंने 3 चम्मच मटर मिलाई, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया और 2 हरी मिर्च, 1/2 नींबू और स्वाद अनुसार नमक जितना आप खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपनी सारी सामग्री मिक्स कर ली है। अब आप फ्राई पैन को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लीजिए। उसके बाद 2 चम्मच रिफाइंड डालें। उसमें हम अपने आलू के मिक्सर को डालकर धीमी आंच पर पकाएंगे। आलू 2 मिनट तक पका लिए। अब मैं इसमें 1/2 कटोरी पनीर ऐड कर दूंगी। आप पनीर को ज्यादा देर तक ना पकाएं वरना वो पिघल जाएगा। अब इसमें 2 चम्मच सूजी ऐड करें और इसको मिला लीजिए अच्छी तरह। सूजी से हमारी कटलेट और फ्रेंच बनेगी। अब हमारा कटलेट का मिक्सचर तैयार हो गया और इसे हम दूसरे बाउल में निकाल लीजिए। अब मैं इस मिक्सचर में छोटे छोटे कटलेट बनाऊंगी। और हमारा तेल डीप फ्राई के लिए रेडी है। कटलेट को पलट दीजिए वरना वो जल जाएंगे। हमारी कटलेट बनकर अब तैयार हो चुकी है और ये खाने के लिए रेडी है। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको अगली बार कौन सी रेसिपी देखनी है। जब तक के लिए शब्बा खैर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।